कि जहाँ बैठे हैं यहीं से 2 किलोमीटर के बीच में अक्सर उसकी लोकेशन होती है। दिन में तो 80% चांस है कि उसका लोकेशन ही रहेगा, रात में वो इधर से निकलते हैं, अभी सामने से निकला है, हमारे ड्रोन में कैप्चर भी हुआ है, तो इस गांव में गया है। तो हमने इधर गांव के में जो भी हमारे लोग लगे हैं उनको हमने फ़ोन करके वहीं बैठे बैठे बोल दिया है, पटाखे जगा रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे। जी, अभी आवाज़ सुनी थी पटाखों की। जी, तो अभी जो जब आपको पता चला कि ड्रोन के जरिए से कि यहाँ से कुछ ही दूर पे थे, तो क्या उनको पकड़ने का भी जो प्रयास किया जा रहा है, और क्या लग रहा है कि कितने नजर आए इस टाइम अभी यहाँ पे? 2 नजर आए थे, इसमें एक लंगड़ा है, हमें लगता है वो कहीं इधर उधर रहा होगा, लेकिन वो 2 थे और वहाँ तो दिखे थे यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग गए वहाँ पगमार्ग देखे, पगमार्ग भी मिला तो कंफर्मेशन हो गया कि वो भेड़िया इधर से गुजरे हैं। तो अभी रात में जो कॉम्बिंग चल रही, क्या लगता है क्या आज इसमें सफलता मिल पाएगी, या आप लोगों ने अभी जिस तरह से पूरा जो मैपिंग भी करी होगी, टेक्निकल मैपिंग भी साथ में आप लोग कर रहे हैं, तो उसके आपके तजुर्बे के हिसाब से क्या नज़र आ रहा है इस पूरे प्रकरण में? भी इस प्रकरण में देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि जो मैपिंग की बात है तो इसका इस क्षेत्र में दिन में उसका रहना होता है, और फिर रात में वो शिकार, मतलब वो ह्यूमन जो है बींग ढूंढता है, खासकर बच्चे, तो वो 20-25 किलोमीटर यहाँ जा सकता है अपनी शिकार के लिए। तो उसका अभी मौके पर उसकी जो दिशा थी जाने की, वो आप यहाँ जहाँ बैठे हैं हमारे पीछे साइड में गया है, तो वहाँ हमने अलर्ट किया है लोगों को। कौन सा, किस तरह से मॉनिटर, क्योंकि ड्रोन्स जो होते हैं अक्सर देखा जाता है, इस ड्रोन में क्या खासियत है कि रात में भी इससे किया जा रहा है, और कितने ड्रोन्स लगाए गए हैं आगे, और क्या बाहर से भी ड्रोन्स या ड्रोन कंट्रोलर्स को बुलाया जाने वाला है इस पूरे ऑपरेशन को और साइंटिफिक बनाने के लिए? फिलहाल तो अभी यही 2 है, और 2 पर्याप्त है, पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है ये इंफ्रारेड ज़ोन, क्योंकि बहुत हाँ ये टेम्परेचर लेता है, जो कि कोई जीव है तो उसका टेम्परेचर अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर को इसमें कलर से दिखा देता है, उसका अलग कलर तेज होता है, अलग कलर होता है, टेम्परेचर के हिसाब से इसमें कलर दिखाता है। उस बार फिर तो मौके पर आप लोग जाते हैं? तो मौके पर जाते हैं क्या, उसको कंफर्म करने के लिए, अगर वो जाने लायक जगह है तो जाते हैं, जाने लायक जगह नहीं है तो रात में बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना भी अच्छा नहीं होता। कितना डिप्लॉयमेंट है अभी यहाँ पे, किस चीज़ का डिप्लॉयमेंट, मतलब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का, और कितने यहाँ पे DFOs वगैरह पूरे ऑपरेशंस में लगे हुए हैं? यहाँ देखिए कई जिलों के उच्च अधिकारी लगे हुए हैं, प्रकरण काफ़ी गंभीर हो गया है, तो इसमें हमारे एक श्री नवीन साक्या IFS सर हैं, उनकी वो सहयोग के लिए उनको वो आए हैं, श्री आकाश बधावन जी हैं 12 बंकी DFO, वो भी सहयोग के लिए आए हैं, श्री बी शिवशंकर जी हैं वो भी DFO कतरनिया घाट हैं, वो भी आए हैं यहाँ पर सहयोग के लिए, और इसके अलावा आज बहराइच में ही कैंप किया हुआ है हमारे चीफ कंजर्वेटर महोदय ने, महोदया और कंजर्वेटर साहब।